हमारे जो अंग दिन दिन बनते जाते हैं माँ के गर्भ के अंदर, हमारे रचने से पहले, माँ के गर्भ में आने से पहले जो है परमेश्वर ने आपकी पुस्तक में लिखे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन। आज हम बात करेंगे अपने जन्मदिन के बारे में। जी हाँ, जन्मदिन के बारे में बात करेंगे कि हम ये सोचें, हम लोग अपना जन्मदिन तो मनाते हैं, बहुत से लोग मनाते हैं, बच्चों का मनाते हैं, बड़ों का मनाते हैं, सबका जन्मदिन मनाते हैं। परंतु जन्मदिन मनाते हैं, कभी आपने सोचा है कि हम बनाए कैसे गए? परमेश्वर ने हमारी रचना कैसे करी है? परमेश्वर ने हमें बनाया कैसे है, इसके विषय में कभी सोचा है? जन्मदिन तो हम मना लेते हैं, हम लोग कहते हैं कि हाँ, उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, खत्म। बस इतनी बात करते हैं कि परमेश्वर ने जो है हमें भूमि की मिट्टी से बनाया और हमारे नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, बस इतना। मगर ये अगर इतना करते हैं तो ये चीजें गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर मेहनत करी है, मिट्टी से बनाया। जैसे हम जब कहते हैं मिट्टी से बनाया, जब एक कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो कहीं से भी और कोई भी मिट्टी खोद कर ले आता है, क्योंकि मिट्टी कई प्रकार की होती है। और जब मिट्टी कई प्रकार की होती है, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बालू मिट्टी, काली मिट्टी, ऐसी बहुत सी रेतीली मिट्टी, ऐसी बहुत सी मिट्टियां होती हैं, तो कौन सी मिट्टी से हम बनाए गए हैं? चिकनी मिट्टी से हम बनाए गए हैं। वो खोद कर लाता है और खोद कर लाकर और उसको भुरभुरी बनाता है और उसके अंदर से कंकड़ पत्थर सब निकालता है, फिर उसको पानी डाल के रात भर भिगो के रखता है, फिर सुबह उठकर क्या कहते हैं उसको गूंथता है, उसको फेंटता है और उसके अंदर और भी जो कंकड़ और घास फूस होती वो सब निकालता है और बिल्कुल मुलायम बनाकर फिर उसका बर्तन बनाता है। परमेश्वर ने बिल्कुल ठीक मेरे और आपके ऊपर ऐसे ही जो है वो किया है। आप निकाल सकते हैं अय्यूब 10 अध्याय उसका 8 पद से पढ़ रहा हूं। अब यहां क्या लिखा हुआ है, तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा और जोड़कर बनाया। ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से ठीक बनाया और जोड़कर बनाया। जब परमेश्वर ने मुझे और आपको जोड़कर बनाया है, तो सोचिए एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं और एक जो बड़ा मनुष्य होता है उसके अंदर 206 होती है। अब सोचिए 300 हड्डियों को परमेश्वर ने जोड़कर बनाया, छोटी बड़ी सब। और यही नहीं, परमेश्वर ने जो है बहुत सी नसें हमारे अंदर होती है, महीन होती है, मोटी होती है, सारी नसों को, प्रत्येक अंगों को जो है परमेश्वर ने अलग अलग बनाकर फिर उनको जोड़ा है। सोचिए कितनी मेहनत करी है। और सिर्फ यही नहीं है कि परमेश्वर ने, ये नहीं, जैसा एक कुम्हार जो है जब मिट्टी के बर्तन बनाने के समय वो इतनी मेहनत करता है, परमेश्वर ने भी वैसी करी है। क्या लिखा हुआ है 9वें पद में है, अय्यूब 10 का 9वां पद, स्मरण कर कि तूने मुझे गुथी हुई मिट्टी के समान बनाया। अब परमेश्वर ने जो है उस मिट्टी को गूंदा है, यानी परमेश्वर ने अपने हाथ, अपने पैर, अपने वस्त्र, सब कुछ मेरे और आपके लिए मिट्टी में सना दिए हैं। जब मेरे और आपके लिए मिट्टी में सना दिए हैं और परमेश्वर ने जो है हमें जो है उस मिट्टी को गूंदा है, यानी हमें, हमारी जो मिट्टी थी उसको गूंदा है उसने, अपने हाथ पैरों को उसने मिट्टी में सनाया है। कितनी बड़ी बात है, ऐसे ही नहीं है। और इसलिए परमेश्वर को कुम्हार कहते हैं। तो समझे, जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर कुम्हार है, हम ये कहते हैं कि मैं मिट्टी हूं और तू कुम्हार है, जब हम गाना गाते हैं मैं मिट्टी हूं तू कुम्हार है, तो समझे कि हम कैसे बनाए गए हैं, कि परमेश्वर ने कितनी मेहनत करी है और उस मिट्टी के अंदर जो है अपने हाथ पैरों को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए साना है। फिर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया। यानी दूध के समान उंडेला है परमेश्वर ने और दही के समान, यानी जैसे दही जमाया जाता है, ऐसे मिट्टी को जमा कर उसने जो है हर एक अंगों को बनाया है। ठीक है, कितनी मेहनत कर रहा है। और हम लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर, बहुत से सेवक लोग भी बस इतना प्रचार करते हैं, और परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जो है जीवित प्राणी हो गया, दैट्स ऑल, खत्म। ये परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के परिश्रम के साथ इंसाफ नहीं है। ये परमेश्वर के जो प्रेम दिखाया जा रहा है, जो वो हाथ पैर सान रहा है, ये उस प्रेम के साथ इंसाफ हम नहीं कर रहे हैं अगर सिर्फ इतने ही बोलते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या है, फिर कहता है 11वां पद है, अय्यूब 10 का 11, फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें
गूंद कर मुझे बनाया। देखिए मैंने पहले बताया ना कि हड्डियों और नसों को गूंदा है अलग अलग, उन हड्डियों को परमेश्वर ने क्या है जोड़कर बनाया। कितनी नसें हैं हमारे अंदर, छोटी बड़ी महीन, बिल्कुल कैसे परमेश्वर ने बनाया होगा। जो हमारे खून के अंदर जो सेल्स हैं छोटे छोटे लाल रंग के और सफेद रंग के जो सेल्स होते हैं हमारे खून के अंदर, वो कैसे परमेश्वर ने बनाए होंगे सोचे। और वो सिस्टम पूरा जो है किस तरीके से परमेश्वर ने बनाया है कि एक परफेक्ट जो मनुष्य बनाया जाता था परमेश्वर ने अपनी समानता अपने स्वरूप में, वो बिल्कुल ठीक बनाया था और अच्छा बनाया था। मगर जो है हम लोग क्या होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हम लोग इस बात को समझते नहीं। हम अपना जन्मदिन तो मनाते हैं, हाँ परमेश्वर ने हमें बनाया। हम लोग गाना तो गाते हैं, मैं मिट्टी हूं तू कुम्हार है। हम लोग जोर जोर से प्रचार तो करते हैं कि हम मिट्टी हैं और परमेश्वर हमारा कुम्हार है, परमेश्वर हमारा बनाने वाला। भाई उसके परिश्रम की भी तो चर्चा कीजिए ना कि परमेश्वर ने जो है मुझे और आपको बनाया कैसे। ये पहली रचना की बात कर रहे हैं। दूसरी रचना जो है परमेश्वर का वचन क्या कहता है मैं आपको बताना चाहता हूं। भजन संहिता 139 और उसका 13 पद से पढ़ रहा हूं। साम्स 139 और 13 वर्स से, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। अब देखिए यह हमारी रचना जो है कहां हो रही है, मां के गर्भ में हो रही है। रचना खत्म नहीं हो रही है, परमेश्वर हमें रच रहा है और परमेश्वर हमारी रचना कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है ये ध्यान दीजिएगा। फिर 14वें पद में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, मैं भयानक और अद्भुत रीति से। देखिए भयानक बात क्या, आप हॉस्पिटल में चले जाइए, 4 महीने के 5 महीने के 6 महीने के जो बच्चे होंगे जार में रखे रहते, कैसे मतलब भयानक स्थिति होती है उनकी। परंतु अद्भुत चीज वहां पर क्या है, देखिए अद्भुत चीज क्या है, मां के गर्भ के अंदर एक मांस का लोथड़ा होता है और उस मांस के लोथड़े में हड्डियां अपने आप उत्पन्न हो जाती है। आज कोई भी साइंटिस्ट जो है या वैज्ञानिक जो है या डॉक्टर जो है, बड़े से बड़ा अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, जापान का भी, अगर हमारी हड्डी यहां से बिल्कुल टूट जाए, चूर चूर हो जाए, तो क्या वो फिर से वैसी ही हड्डी उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता। परंतु परमेश्वर उस मांस के लोथड़े में हड्डियां उत्पन्न करता है, ये बड़ी अद्भुत बात। कैसे उत्पन्न हो जाती हैं मांस की, मांस के लोथड़े में वो हड्डियां जो है परमेश्वर, ये परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्म है जो मां के गर्भ में हो रहे हैं, जो मेरे और आपके साथ हो चुके हैं और हो रहे हैं जो भी बच्चे मां के गर्भ में हैं, ये आश्चर्य कर्म है। फिर है 15वें पद में, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। हाँ परमेश्वर जो है वह हमारी कोई भी चीज, मां के गर्भ के अंदर हमारा स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, कैसे बढ़ रहे हैं, लड़का है या लड़की है, ये सब परमेश्वर की ओर से निर्धारित होता है। और परमेश्वर ने जो है वह हमें देखता है, हमारी रक्षा करता है और इसलिए उसकी दृष्टि जो है हमारे ऊपर मां के गर्भ के अंदर ही होती है। और फिर यहां 16वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। ये ध्यान दीजिएगा, हमारे जो अंग दिन दिन बनते जाते हैं मां के गर्भ के अंदर, हमारे रचने से पहले, मां के गर्भ में आने से पहले जो है परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में लिखे थे कि इस पृथ्वी पर इस महिला के द्वारा और इस आदमी के द्वारा जो है मैं ये संतान उत्पन्न करूंगा, ये लड़की दूंगा या लड़का दूंगा, परमेश्वर की पुस्तक में पहले से लिखे गए थे, परमेश्वर ने पहले से बनाए हुए थे। और इसलिए क्या पैदा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, ये परमेश्वर के ऊपर निर्धारित करता, किसी आदमी औरत के ऊपर निर्धारित नहीं होता है, ये मेन चीज है। तो देखिए परमेश्वर ने कैसे हमें बताया। अब लास्ट में चलते चलते मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। आप निकाल सकते हैं मेरे साथ यशाया और 43 चैप्टर और उसका 7वां पद, आखिरी पद पढ़ रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। जी हाँ, हर एक जो परमेश्वर कहता है, हर एक जो मेरा कहलाता है। और क्यों क्यों उसका कहलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है मुझे। और पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं,
जो हो चुके हैं, जो हैं और जो आने वाले, सबकी रचना परमेश्वर ने करी है। पहले आदम की मिट्टी से हो गई, फिर मां के गर्भ में आज परमेश्वर हमारी और आपकी रचना करके हमें इस दुनिया में भेजता है। तो इस तरीके से हम देखें कि परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर कितनी मेहनत करी है। हम उसके परिश्रम के बारे में भी सोचे। जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तो परमेश्वर के परिश्रम की जो है चर्चा जरूर करें जो उसने मेरे और आपके ऊपर करी है, तब हमारे जन्मदिन की खुशियां जो है वो दुगनी हो जाएंगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।